अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू मील टाइम विद मोना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कावे की रेसिपी, जो आपको पूरी सर्दी में आपको और आपके बच्चों को फ्लू, रनी नोज, म्यूकस और ठंड के असर से बचाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया, इसमें मैंने 3 कप पानी डाल दिया है और अब हम इसके अंदर थोड़े से कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिससे ये कावा बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए होगा सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी, जिसके आप 8 से 10 इस तरह के टुकड़े पीसेस ले सकते हैं, छोटे या बड़े आपकी मर्जी है। 4 आपको चाहिए होंगी लौंगे और 3 आपको चाहिए होंगी छोटी इलायची। इसमें सारी चीज़ें पानी के साथ ही आप इसमें ऐड कर दें और फिर फ्लेम को हाई करके हमने इसे बॉयल आने तक पकाना है। जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए, जैसे कि सिनेमन है, दालचीनी है, लौंग है, उन सब में जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनर्जेसिक, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपको ये जो वेदर चेंजेस हैं उससे प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा इलायची में भी ये प्रॉपर्टी है, वो आपका जो बलगम है ना वो रिड्यूस करती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को उस पानी के साथ पका के जब इसका कावा बनाएंगे तो उसके साथ आपको पूरी सर्दी में ठंड के असर से आपको बचाएंगे। यहाँ पे इसमें बॉयल आ गया तो मैंने इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आप छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक या तो पानी आपका 3 कप से 1 कप तक रिड्यूस हो जाएगा, इतनी देर तक आपको इसको पकाना होगा। ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं कावे को। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा इन सारे स्पाइसेस का अर्क इसके अंदर आ गया है, बहुत ही शानदार इसकी खुशबू होती है कि आपके पूरा घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। और पानी भी हमारा 1 कप तक रिड्यूस हो गया, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। आपने इसको बस छान लेना है, 1 कप में आप इसे डाल दें और आप इसे एज इट इज़ भी पी सकते हैं। बड़ों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो एज इट इज़ पी लें, बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच शहद या फिर आप 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दें और बच्चों को भी पिलाएं प्लीज़, और आप भी ट्राई करें। और रात के वक्त अगर आप इसे पीते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, तो नज़ला, खांसी, बलगम और सीने की जकड़न जो होती है उससे आपको ये पूरी सर्दी में बचा के रखेगा। एंड इट इज़ वेरी सेफ़ और वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है दालचीनी। आपको पता है दालचीनी की जब आप चाय बना के पीते हैं तो वो वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो दालचीनी है वो आपके जो फ्लू है नज़ले को उसको खुश कर देती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इस दफ़ा विंटर्स में बनाएं, ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मैं आपके साथ और भी बहुत सारी होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिससे आपको पूरी विंटर्स में आप इन जो वायरल्स हैं, फ्लूज़ होते हैं और खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों को हो, उससे आप इंशाल्लाह ताला महफूज रहेंगे। तो आप मेरी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मेरी रेसिपीज़ को, रेमेडीज़ को, मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आगे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।